नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज जो हम लोग जो है सेंटर पे रिव्यू ले रहे हैं ऑटोमोबाइल ट्रेड का ले रहे हैं और इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसका जो है यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे हैं। सो सबसे पहले मैं लेवल ही पूछूंगा, आप मुझे ट्रेड बताइए सबसे पहले। सर मेरा ट्रेड ऑटोमोबाइल है, सीओई ऑटोमोबाइल से हूँ जी। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है मतलब यहाँ पर आया हूँ डीआरडीओ का पेपर देने के लिए। है। और जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल है, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है। नॉन टेक जो पार्ट है वो तो बहुत सिंपल है, अगर जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है और आपकी वीडियो को भी फॉलो कर रखा है वो कम्प्लीटली इसको। तो ऑटोमोबाइल से आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से वहाँ पे जो है टॉपिक सबसे ज्यादा देखने को, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल से मतलब आपको इंजन से लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, आपके पिस्टन, आपके इंजन पिस्टन और जो इंजन के अंदर आपके टीडीसी बीडीसी जो आपके पोजीशन है, इंजन कैसे वर्क करता है, बेसिकली क्वेश्चन उसी से थे। और थोड़े उसमें मटेरियल पार्ट्स थे कि आपके हाई कार्बन स्टील से कौन सी वो प्रोडक्ट बनते हैं, आपके पिस्टन गजन पिन, गजन पिन को उन्होंने दूसरे फॉर्म में कहा था कि पिस्टन पिन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो वो था गजन पिन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे और थोड़े बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन थे। ईडी के कितने क्वेश्चन होंगे? ईडी के 6-7 क्वेश्चन थे जिसमें से फ्री मतलब ज्यादा थे। हाँ। क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ मैं कि ईडी के क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा इसमें ही देखने को मिल रहे हैं, इसमें एक भी नहीं था। और सबसे ज्यादा टॉपिक आपको इंजन देखने को मिला। हाँ, इससे अगर हम नीचे देखेंगे तो कौन सा टॉपिक था वहाँ पे देखने? इससे ज्यादा अगर हम नीचे देखें तो गियर बॉक्स केवल एक दो क्वेश्चन थे। गियर बॉक्स एक दो क्वेश्चन थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गियर बॉक्स के अंदर जो हमारे ज्वाइंट होते हैं वो किस तरफ के ज्वाइंट होते हैं, तो उनके ज्वाइंट के फॉर्म पूछे थे कि आपके मैटिंग वाले फॉर्म होते हैं, तो उसमें जो उसका आंसर था मैटिंग ही था, तो उन्होंने मैटिंग। तो ऑटोमोबाइल का जो है क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को? मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जिन्होंने बेसिक अपनी ऑटोमोबाइल कंप्लीट कर रखी है ना, तो वो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन को 95 तक बिल्कुल अपने आराम से कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। एक बार क्वेश्चन देखा मतलब मैं अपनी साइड से यही सजेशन दूंगा कि जिसने अपनी थ्योरी को कवर कर रखा है ना वो आराम से टेक्निकल पार्ट को निकाल लेगा। बिल्कुल मेन ऑफ पार्ट से आपका थ्योरी बिल्कुल परफेक्टली कवर होना चाहिए। और दो तीन क्वेश्चन से जैसे आपके वो स्टोकोमेटिक रेशो को लेकर के, हाँ कि आपके डीजल इंजन के अंदर जैसे कार्बोरेटर, पुराने टाइम अभी तो एमपीएफआई यूज हो रहा है, तो कार्बोरेटर से क्वेश्चन पूछा था कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जो कंप्लीट करके भेजता है कौन सा पार्ट है, वो कार्बोरेटर ही था। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे वहां पे? नहीं, वर्कशॉप कैलकुलेशन मैथ्स के क्वेश्चन हुए थे जैसे आपके आते हैं नॉर्मल, वो तो आपका क्वांट वाला पार्ट हो गया, उसको छोड़ दीजिए। आपके एक क्वेश्चन आया था हमारा, उसमें था वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का था 10% की, एक क्वेश्चन था कि जिसमें हम 10% किसी सालाना और वार्षिक ब्याज दर पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 200 रुपया कितने हजार रुपये होगा, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि 10,000, 20,000, 40,000 और 30,000, तो उसका आंसर था 30,000 का। नॉन टेक्निकल पे आ जाते हैं, नॉन टेक्निकल का लेवल कैसा था? नॉन टेक्निकल का लेवल बहुत ही सिंपल था, आपका जनरल अवेयरनेस के 2-3 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन अगर याद हो जनरल अवेयरनेस का? मोटर एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, ऐसे क्वेश्चन था। और 2-3 क्वेश्चन और भी थे, जैसे उन्होंने पूछा था कि 12 लाख मतलब इस दुनिया में अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन पैदा करने वाला कौन सा जीव आता है। हाँ, ये क्वेश्चन एंटोनिम और सिनोनिम देखने को मिले इंग्लिश में? नहीं आया, डिमोलिश का जी, डिमोलिश का उन्होंने पूछा था कि क्या लगाया आपने वहाँ पे, क्या था ऑप्शन वहाँ पे उसमें डिमोलिश का, तो जैसे बर्बाद कम होते तो उसमें जो था वो उसका, ठीक है। सेंटेंस एरर थे वहाँ पर, सेंटेंस एरर के 3-4 क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा इंग्लिश में क्या पोर्शन था? सबसे ज्यादा इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस था, एक्टिव पैसिव था, ठीक है। क्लोज करते हैं, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। भारत स्किल पे ऑटोमोबाइल का अवेलेबल नहीं था, पीडीएफ अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, आई थिंक डीजल मैकेनिक का कंटेंट अवेलेबल था तो, और एमएमबी का आई थिंक कंटेंट अवेलेबल था, तो उसमें से आपको डिफरेंट ट्रेड से क्वेश्चन देखने को मिले? पार्ट ऑफ एमएमबी एंड डीजल दोनों ही बेसिक, वही सिंपली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। आप और कोई बच्चा है ऑटोमोबाइल, आप बोलते रहो, तो जो ऑटोमोबाइल का कोई स्टूडेंट है नहीं है जो कवर कर सकते, जैसे आपने एमएमबी का, एमएमबी ही रिलेटेड ऑटोमोबाइल का मोटर मैकेनिक है, तो उसमें डीजल और सीआई कंप्रेशन और सीआई और एसआई दोनों, इन दोनों के बारे में भी जो कोर में जिसने पढ़ रखा है, मतलब आपने पढ़ रखा है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था, दो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने ऐसा कि जब गाड़ी से एग्जॉस्ट गैस निकलती है जी, तो वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, एक मफलिंग भी था और एक साइलेंसर भी था, तो मफलर जब ज्यादा यूज, जब गाड़ी में ज्यादा मतलब नॉइज होता है तो मफलर यूज करता है, लेकिन साइलेंसर बेसिकली उसमें यूज होता है। तो ये नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे, अगर आपने लिटरली 2 महीने भी स्टूडेंट से पढ़ा, मतलब थ्योरी अच्छे से कवर की है तो आराम से निकाल लेंगे, आपका निकल जाएगा 95 तो आप ऑटोमेटिक करके ही आओगे, बाकी तो ठीक है। बाकी
जो है मिलते हैं नेक्स्ट रेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आपका बहुत ही कोऑपरेशन रहा, मतलब आपको वीडियो को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं सच में। देखो हम लोग दो साल से अपने प्लेटफॉर्म को और ऊपर तक लेकर जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी आईटी की ट्रेड को छोड़े ना, एक कोई सी भी आईटी की ट्रेड होती है ना बच्चा परेशान ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कारपेंटर शीट मेटल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, इन ट्रेड का कंटेंट कहीं पर नहीं मिलता। यूट्यूब की केवल एक ही शिकायत है, ऑटोमोबाइल को लेकर कोई भी हम आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, पूरी कोशिश है हम लोगों की, हम लोगों ने टीचर अरेंज कर लिया है जो आप लोगों की ट्रेड को भी कवर कर लेगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है आपको, आशा करता हूँ कि एग्जाम में आपको आपकी काबिलियत के बेस पे सफलता मिले। बाकी डीआरडीओ स्टेप बी का मेरा टायर वन क्लियर है, तो टायर टू के लिए, टायर टू के लिए मैं स्पेशली ऐसा बंदा लेकर आऊंगा जिसने पहले ही एग्जाम निकाल रखा है, अगर अरेंज हो पाता है तो, नहीं तो अगर वो अग्री नहीं करता प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तो मैं जो है उनसे गाइडेंस लेके आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे अपडेट करूंगा, ठीक है। थैंक यू, क्लोज कर दो राकेश।